जी सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं अपने बारे में दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगा, बाकी तो आपने सभी समझ ही लिया और सभी बता ही दिया। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि मेरा जन्म बहुत छोटे से गांव में हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और उस समय मैं कक्षा 6 का स्टूडेंट था। लेकिन नादवाड़ा से हमारे ही समाज के चित्रकार लोग है, वो किसी फंक्शन में आए हुए थे, तो उस समय स्कूली शिक्षा प्राप्त करते समय मैं ड्राइंग बनाता था। तो वो ड्राइंग उन्होंने देखे और मेरे पिताजी को भी उन्होंने ये बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। तो मेरे पिताजी ने ऐसे ही गर्मी की छुट्टियों में उनके साथ मुझे भेज दिया। उस समय मेरी उम्र थी 13 साल। तो 13 वर्ष की आयु में मुझे छोटी सी आयु में वो नाथद्वारा ले गए और नाथद्वारा में मैंने उनके यहाँ श्रीमान तुलसीदास जी चित्रकार, जो मंदिर के मुखिया जी भी हैं, वो सारे चित्रकारों का प्रतिनिधित्व मंदिर के लिए करते हैं और मंदिर में जो भी चित्रकारी का काम है वो उनकी देखरेख में होता था। तो मेरे को उन्होंने बहुत ही अपने प्यार दुलार से रखा, मुझे अपने माता पिता की भी याद नहीं आई और मैं उनके साथ ऐसा काम में लग गया कि मुझे पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं गया और मैं उसी समय से पढ़ाई कक्षा 6 तक ही पढ़ा हूँ और उसके बाद पढ़ाई भी नहीं की और उस समय से मैं अभी तक वो चित्रकारी का काम में लगा, जो अभी तक मेरी ये यात्रा जारी है। और उनके पास मैंने 12 साल रहा और 12 साल के बाद उनसे बड़े इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट जो उदयपुर में है नाथद्वारा के हैं, श्रीमान बीजी शर्मा, वो मुझे अपने कार्य की कुशलता देख के प्रसन्न हुए और वो मुझे आगे इस काम को बढ़ाने के लिए अपने पास बुलाया और मैं उदयपुर में आ गया। और उदयपुर में भी मैं उनके यहाँ 10 साल रहा। तो फर्स्ट जैसे नर्सरी केजी होती वैसी प्राइमरी शिक्षा मेरी चित्रकारी की नागौरा में हुई और आगे की पढ़ाई चित्रकारी की मेरी बीजी शर्मा के यहाँ हुई। और 1963 का मेरा बर्थ है, 76 में मैं नागौरा आया और 89 में मैं उदयपुर आया। तब से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, 12 साल मैं बीजी शर्मा के यहाँ रहा और 98 से मेरी प्रोफेशनल जो चित्रकारी की सेवा वो शुरू हुई। और इसी दौरान मैंने बहुत काम किया जिसमें मंदिर की पिछवाई के अलावा कंटेम्पररी मिनिएचर भी किया, जो बोस्टन और न्यूयॉर्क में काफी एग्जीबिशन हो चुकी है और 2 काम मेरे परमानेंटली कलेक्शन में बोस्टन म्यूजियम ने परचेज किए जो बोस्टन म्यूजियम में है। इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई और 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट, और इस तरह से छोटे मोटे बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत पार्टिसिपेट किया, बहुत कॉलेज में इंडिया में मुझे काम सिखाने के लिए भी बुलाया जाता है। और पिछवाई पेंटिंग में मेरा मेन रुचि रही क्योंकि नाथद्वारा में इतने साल रहा तो सिन्हा जी को बहुत ही नजदीक से देखा और उनके में क्या श्रृंगार होता है, क्यों वो उत्सव होते हैं। और इसी तरह से 365 दिन जो नाथद्वारा के मंदिर में सिन्हा जी की पिछवाई का अंकन किया जाता है उसको मैंने बहुत बारीकी से सीखा और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि सिन्हा जी के मंदिर के लिए मेरे से पिछवाई बनवाई गई और वो पिछवाई दान एकादशी के दिन सिन्हा जी के मंदिर में लगती है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक भगवान का आशीर्वाद है और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो ये जीवन में बहुत कम कलाकारों को ये मौका मिलता है और ये आशीर्वाद मिलता है। और इसी तरह से जो मंदिर में लगती है उस पिछवाई का चित्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक चित्र है जिसमें सिन्हा जी जो है ये बीच में ऑलरेडी मंदिर में है, तो ये बीच में से कपड़ा कट करके और वो पिछवाई बनाई जाती है और ये पिछवाई सिन्हा जी के मूर्ति के जस्ट पीछे लग जाती है, तो ये पीछे लगने से इसका नाम पिछवाई पड़ा। तो इसी रूप में आज तक जितनी भी पिछवाई बनी इसी रूप में बनी और ये बीच में सिन्हा जी का जो मूर्ति का साइज है वो कपड़ा कट करके और बनाई जाती है। और इसी तरह की एक अभी अधिक मास आने वाला है उसके लिए मेरे पास एक ठकुरानी तीज आती है श्रावण मास में, उस ठकुरानी तीज की पिछवाई का मेरे सेवा का मौका दिया है तो वो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में वो शुरू करूंगा। तो इस तरह से मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि बड़े बड़े मंदिर के काम भी मुझे मिलते हैं और इस तरह से सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और आपने जो सारा बताया बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और मुझे खुशी हुई कि आपने काफी सारी मेहनत करके और इसको संजोया और सबको बताया, थैंक यू। और मैं अब आप
आपके सामने ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आपको काम कैसे किया जाता है, शुरुआत में मैं एक दो मिनट का आपको ये बता दूं कि ये जितने ड्राइंग की है इसमें कलर तो डालेंगे, सबसे पहले फेस कलर डालेंगे, और फेस कलर में मैं आपको दिखा दूं कि इसमें फेस कलर में आप पर्सन ब्लू में ब्लैक व्हाइट मिला के ये बना सकते हैं। अगर पर्सन ब्लू नहीं है तो अल्ट्रा मेरिन ब्लू भी मिला सकते हैं। तो यानी ब्लू डार्क ब्लू रखना है तो जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आप उसमें देख देख के कर सकते हैं। और पीछे भी एक पेंटिंग लगी हुई है, इसमें से भी आप देख सकते हैं, एक साइड में बिना डिटेलिंग की पेंटिंग भी है तो उसको भी आप देख के कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और अगर आपको कोई पूछना है तो भी आप बाद में पूछ सकते हैं। इसमें जो आप कलर फिल करेंगे तो इसको तिलक को और आईज को छोड़ के और ज्वेलरी को छोड़ के करना है। ऐसे आंख को छोड़ दीजिए, ऊपर तिलक है उसको छोड़ दीजिए, राजाराम जी आप जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे जरा जो कैमरा चित्र के सामने है आपके हाथ के सामने उसके सामने आप जरा पैलेट दिखा सकते हैं ऑडियंस के लिए कि कौन सा रंग है। हाँ ऑडियंस इफ यू कुड हैव अ बिट ऑफ अ लुक एट द कलर। ये देखिए पर्सन ब्लू है, पर्सन ब्लू व्हाइट और ब्लैक। परफेक्ट परफेक्ट ऑडियंस जस्ट हैव अ लुक एट द कलर। या ठीक है थैंक यू सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। या Just to let the audience know, we are painting the entire of the face, leaving the eyes, the tilak, as well as the nasal jewelry, that is the nath portion, and the chin dot white. The rest of it is being painted in the combined blue color. Thank you. We also paint the ears. Yes, कान का भी ज्वेलरी को छोड़ के आपको इसमें भी फील करना है प्लेन। इस तरह से ये ज्वेलरी को बचाते हुए और एक तिलक के ऊपर छोटा सा सिर का पार्ट है उसमें भी आप इस कलर को करना है। अगर एक बार में अच्छा नहीं हुआ है तो उसको दोबारा से उसके ऊपर कर सकते हैं। So in case अगर सूख गया है तो सूखने के बाद देखिए अगर पैचेज आते हैं तो पैचेज आ रहे हैं तो आप सूखने के बाद एक बार दोबारा से वापस कर लें ताकि फेस एकदम साफ सुथरा दिखे। So participants, you can try to give a uniform coat. Specifically, when it dries, you will come to know where the patches of less color intensity are. Okay.
यू कैन ट्राई डूइंग वन पोर्शन ऑफ द फेस, मे बी द राइट आई और द लेफ्ट आई एरिया और जस्ट द तिलक एरिया एट योर कन्वीनियंस एंड एट योर स्पीड. सर जी, ये जो कोट आपने लगाया दूसरा वाला, उसके नीचे आपको थोड़ा वो आउटलाइन दिख रहा है, होठो का, नाक का वगैरह? ये फेस कलर हो गया सबका. ओके, एक मिनट. पार्टिसिपेंट्स, इफ यू ऑल हैव, आई नो यू ऑल मे नॉट बी एबल टू कवर अप विद द फेस, बट इफ यू कैन जस्ट शो अप टू द स्क्रीन, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हैव फिनिश्ड द फेस. ओके ओके, दैट्स अ बिट गुड, दैट्स अ बिट गुड. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, सो देयर आर, okay, so there are a good amount of participants who have done the face. Could you just beam it to the camera so that the artist can have a look at your painting? Perfect, perfect. I can see a good amount of people have done the entirety of the face, while there are a good amount of people who have done parts of the face, which is also acceptable. Do take your own time and create this masterpiece. Can we, I think we'll continue. Rajaram ji, aage badhte hain. जैसे ये क्रिम्सन है, audiences have a look at the colors. Sir ji, ek second ke liye dikha sakte hain ji? Ye these are the two colors, crimson and white. Crimson and white dono milayenge to pink aayega. Thank you, thank you. Dono kai bhi palette pe mila sakte hain. Aur light pink rang raha hai isko, ye is tarah ka. ये देखिए, ये लाइट पिंक बन जाए ऐसा. सो वी यूजिंग लाइट पिंक फॉर द लोटसेस. पार्टिसिपेंट्स कैन ट्राई वन पेटल, दैट कुड बी सफिशिएंट. कलर ऐसा फील करें कि ये लाइन ड्राइंग जो है ये छुप जाए, ये नहीं दिखना चाहिए. Try covering the outline. We do not want to, see the visible black line of the outline. You can see a faint trace under the paint, though. Okay. इस सेम कलर पगड़ी के लिए भी, पगड़ी में ज्वेलरी छोड़ के, और ये बॉर्डर है इसका पगड़ी का किनारी, इसको छोड़ते हुए इसमें भी पूरा फिल करें. यू कैन ट्राई टू डू द टर्बन एज वेल,
besides the border and the jewelry which is there on the turban or the pagri, all of it is the same color, that is the pink, which is being used for the lotus. राजाराम जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। अगर थोड़ा कलर जो है वो ज्वेलरी में चला गया गलती से, तो फिर क्या करें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ज्वेलरी का कलर वापस डालना पड़ेगा। ये तो इसलिए कि किसी का सेफ खराब नहीं हो ज्वेलरी का, तो वो थोड़ा बहुत दिखता रहेगा। अगर किसी का इस कलर के अंदर बिगड़ जाता है, तो उसके ऊपर वापस अपन येलो कलर डाल के और उसको गोल्डन से करेंगे। ओके, इसलिए कोई कोई चिंता की बात नहीं है। अगर किसी के ऊपर जाता है, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ऑडियंस, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, इफ योर कलर गोज आउटसाइड द लाइन, गोज ऑन टू द ज्वेलरी, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली करेक्ट इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। एक और प्रश्न है ऑडियंस से। ये जो आपने आउटलाइन किया है सर जी, ये आपने मार्कर पेन से किया है या नहीं? एक्चुअल में हमारे क्या रेगुलर काम करते हैं, तो एक स्क्रल हेयर ब्रश होता है। ओके, इस तरह का। अच्छा, तो ये बहुत महीन काम कर सकता है। ये इसका स्वभाव ऐसा है कि ये तिरछा होता है, ये इस तरह से काम करता है। ओके, जरा एक मिनट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, आराम से। तो ये जैसी आप लाइन चलाना चाहे वैसी लाइन आ सकती है। अच्छा, दो सेकंड के लिए सामने रख सकते हैं। ऑडियंस, जस्ट हैव अ लुक, वी आर यूजिंग अ वेरी फाइन ब्रश, ऑलमोस्ट लाइक अ जीरो नंबर ब्रश फॉर दी आउटलाइंस। थैंक यू राजाराम जी, थैंक यू। ये एक्चुअल में ब्रश क्या, पहले नागौरा के आर्टिस्ट खुद बनाते थे, और अपने आज से 350 साल पहले जब ये काम शुरू हुआ, तो ब्रश भी बनाते थे, कलर भी खुद बनाते थे, और कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो छोटे छोटे कमरे में भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े पेंटिंग बनाए। तो उसका अगर समझे तो ये है कि काम करना आना चाहिए, न मटेरियल महत्व रखता है न कुछ। अगर काम करना सीखना है तो जो सामने हो, जो कलर हो, जो ब्रश हो, उससे काम किया जा सकता है। तो मैं ये किसी को नहीं बोलता हूँ कभी भी कि आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। इसमें भी मार्केट में सेबल एयर ब्रश मिलते हैं, तो उससे भी छोटे छोटे ब्रश मिलते हैं, उससे भी लाइन की जा सकती है। थैंक यू। एक मैं जरा अनुवाद कर लेता हूँ। सो राजाराम सर हैज जस्ट टोल्ड अस दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर्स, द पेंट्स, the brushes, whichever medium that you get, whichever material that you can get, you can definitely use these to produce the Pichwai paintings. And definitely Rajaram sir has also evolved and has adapted to the use of various materials over the period of time. So definitely, even in the modern scenario, if you are not able to get a particular material, you can use modern materials for the same. Thank you. जी, ये पगड़ी का और लोटस में अगर कलर हो गया है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़े। पगड़ी का एक बॉर्डर है येलो कलर, जिसको येलो कलर डालने के बाद गोल्ड भी डाल सकते हैं। तो अगर किसी के पास ओकर येलो है, तो इस तरह का सेट जो गोल्डन साइड में है उसको भी डाल सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है तो ब्राउन सेना, येलो और व्हाइट तीन मिला के भी कर सकते हैं। So you have to use ochre yellow, or you can use yellow with brown and with white. Thank you. मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, आप सेट देख सकते हैं।
ये सेट आएगा। मैं जरा ऑडियंस से पूछता कि उनका वो कहाँ तक पहुंच गए। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड। सो ऑडियंस, लेट्स सी हाउ आर यू ऑल प्रोग्रेसिंग। ओके, गुड गुड गुड। ओके, सो मेनी ऑफ यू ऑल आर डूइंग अ गुड गुड जॉब। यू ऑल आर कीपिंग द ज्वेलरी ब्लैंक व्हाइल यू ऑल आर प्रोग्रेसिंग ओवर द टर्बन। Perfect, perfect. Thank you so much. Thank you so much. Sorry to interrupt you all, but we want everyone to be on the same page with the audience. Do smaller pieces. Do a pleat of the turban. Do a side portion of the turban. Not an issue. We are progressing to the yellow, which is chrome yellow. It can also be made with mixing regular yellow with a bit of brown and a bit of white. Let's continue. Rajaram sir, एक प्रश्न था ऑडियंस से कि आपने जो ये आउटलाइन किया है ये पेंट ब्रश से किया और पेंट से किया है, तो अगर दूसरा कलर जो गीला कलर है उसके ऊपर लग जाएगा तो वो स्मज नहीं होगा? नहीं, मर्ज नहीं होगा। इसके ऊपर जो नेक्स्ट का वर्क करते जाएंगे, फिनिशिंग करते जाएंगे, तो वो मिट जाएगा, मिट जाए। अगर एक, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so Rajaram sir has just said that the outlines, though they are made in black paint with a brush, you can give them a good amount of time to dry, and you can definitely do a layer or two of paintings above that in order to hide the smudge. So you don't have to worry about that at this point of time. ठीक है, Rajaram sir जी, आगे बढ़ते हैं। Thank you. जी, अभी ये येलो पूरा कर ले, एक ज्वेलरी में येलो डाले, बॉर्डर किनारी जो पगड़ी की है उसमें येलो डाले, और किसी के पास कलर मान लो एक आध कलर नहीं है, जैसे नहीं बन रहा है, तो प्योर येलो भी डाल सकते हैं, क्योंकि काम को उसके लिए ब्रेक नहीं करना है, काम को कंटिन्यू रखते हुए अपना काम। येलो कलर है तो येलो डाले, ये फर्स्ट फर्स्ट अनुभव आपका है तो इसमें थोड़ा बहुत भी अगर ऊंचा नीचा होगा तो आप सेकंड टाइम उसको सुधार सकते हैं। इट्स वेरी एनकरेजिंग, थैंक यू जी। सो राजाराम सर जी जस्ट टोल्ड अस दैट दिस पेंटिंग इज ऑलमोस्ट लाइक अ लेबर ऑफ लव, सो यू विल टेक टाइम एंड यू कैन डू मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन दीज। Sir is currently doing the ornamentation. एक बार बेस कलर जो है वो सारे कंप्लीट करने हैं, तो मैं एक एक आपको दिखा रहा हूँ। उस तरह से आप एक बार बेस कलर सारे डाल दें, उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे फिनिशिंग की तरफ। ठीक है, ठीक है। ये तिलक में भी येलो करना है, उसके बीच में हल्का सा रेड की हम तिलक को आगे चल के इसमें रेड डालेंगे, अभी येलो करना है। ठीक, सो वी आर पेंटिंग ऑल ऑफ द ज्वेलरी पीसेस, द बॉर्डर्स एंड द टर्बन हेडबैंड। द ज्वेलरी इंक्लूड्स द पीसेस ऑफ पीसेस ऑन द टर्बन, the earrings, the nose ring, along with the chain. तो व्हाइट मोती दिख रहे हैं, उनको छोड़ते हुए और येलो डालना है। ओके, ठीक। पेंडल, सो वी आर लीविंग ऑल द राउंडिश पीस हियर। एक आपके लिए एक बहुत शाम की चीज दिखाता हूँ। हम सीधी लाइन के लिए ऐसी लकड़ी की एक स्टिक काम में लेते हैं, तो इसका उपयोग कभी आप खाली प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही अगर सीधी लाइन डालनी है तो फ्री हैंड से सीधी लाइन अगर नहीं आती है तो इसको ऐसे रखें, और ये उंगली है,
ऐसे ब्रश पकड़ के ये उंगली के सारे ऐसे डाल सकते हैं, ये देखिए ये एकदम सीधी लाइन आएगी। ये प्रैक्टिस आप पेन पकड़ के भी कभी घर पे या कभी भी बाद में कर सकते हैं, ये ऐसे प्लेन लकड़ी। थैंक यू सो मच फॉर दिस टिप। अब हम मोर में कलर डालना शुरू करेंगे। सर जी एक मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ ऑडियंस किस। सो ऑडियंस वी आर नाउ मूविंग टू द पीकॉक। जस्ट अ काइंड रिमाइंडर, द ज्वेलरी ऑन द हेड, द इयररिंग्स, द नोज रिंग, द चेन एंड द फ्लूट, ऑल ऑफ दीज गो इन येलो। सो यू कैन जस्ट पुट येलो डॉट्स ऑन देम एंड कीप देम रेडी व्हाइल यू फिनिश योर पेंटिंग अ बिट लेटर। वी आर मूविंग टू द पीकॉक इन अ बिट ऑफ टाइम। So just get ready for painting the peacock. Just freshen your brushes up and we can go ahead with painting the peacock. Okay? Just freshen your brush and just mark the areas which have to be painted yellow. Kind attention, the round spots on the jewelry which have been left white are going to be the pearls. So they have to be white in color. Okay? Just see that you don't overpaint them. The core areas of your paint of the jewelry will be yellow in color. We will now be moving to the peacock. Rajaram sir ji, aage badhte ji. Ha, ye ultramarine blue hai pure, isme kuch bhi nahi milane ka hai, aur ye mor ki gardan aur sharir pe pura plain isko dalna hai. We are using ultramarine blue concentrated directly from the bottle. आइस को छोड़ देना है और चोंच और किलंगी को छोड़ते हुए। लीविंग द आइस, द बीक एंड द हेडरेस, द रेस्ट द बॉडी हैज टू बी पेंटेड इन ब्लू। यू कैन ट्राई आउट द नेक एरिया एंड द फेस एरिया ऑफ द पीकॉक। सर जी एक प्रश्न आया है ऑडियंस से, अगर अल्ट्रा मरीन ब्लू नहीं है तो कौन सा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं? पर्शियन ब्लू में व्हाइट ब्लू लगे कर सकते हैं। पर्शियन ब्लू में व्हाइट ब्लू, ओके। यू कैन यूज पर्शियन ब्लू एंड यू कैन ऐड अ बिट ऑफ व्हाइट टू इट एंड यूज कोबाल्ट। किसी के पास कोबाल्ट ब्लू भी है तो वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ जी ऑडियंस ऑल्सो जस्ट हैव अ नोट, जस्ट नोट द सटल डिफरेंस बिटवीन द पेंट यूज्ड फॉर द फेशियल कलर ऑफ श्रीनाथ जी व्हाइल द कलर यूज्ड फॉर द पीकॉक। दे आर बोथ ब्लूज बट इन अ वेरिएशन ऑफ ईच अदर। हाँ जी आगे जा सकते हैं। ब्लू के ऊपर जो पंख है वो पंख में ब्राउन सेना और व्हाइट ये दोनों मिलाएंगे तो बनेगा स्किन कलर। ओके तो ये दोनों मिला के स्किन कलर सेट बना के और पंख में ऊपर डालना है। ओके सो वी आर यूजिंग ब्राउन एंड व्हाइट। सर जी आपने जब कलर मिलाया होगा तो जरा कैमरा के सामने दिखाइएगा पैलेट में। थैंक यू। Audience, notice this is the color, the one right in the middle. ठीक। ये color plain ऊपर वाले पंख में feel करना है।
We are now moving on to the tale. I'll just take a quick review of the audience. I know we are going a bit fast. जरा मैं audience के और ध्यान देता हूँ एक second. Participants, can we just have a look at how your paintings are shaping up, please? Oh, beautiful, beautiful. Could you just hold your paintings to the screen? And I'll ask one of the tech team members to have doing. Thank you. Perfect. Oh. Your paintings are shaping. Yes, we are showing well. Together, mother daughter. Okay. Thank you. Thank you so much. Perfect. Shaping up quite well. Thank you, audience. We'll continue. जी आगे बढ़े. हाँ जी आगे बढ़िए. We are now going to the tale. पोस्टर ग्रीन है किसी के पास? पोस्टर ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिला के डार्क ग्रीन बना लेंगे और ये ब्लैक और पोस्टर ग्रीन इसको मैं बना के आपको थोड़ा सेट दिखाऊंगा. बस इस तरह का. अब इसको मोर की जो पूंछ है उसमें ये जो राउंड राउंड कर रखे हैं पंख के इसको छोड़ते हुए इसमें पूरा फिल करना है. We are filling the entirety of the tail except for the circles. तो फर्स्ट ये सर्कल कर ले सभी के एक साथ ऐसे फिर एक साथ इसमें ऐसे ऐसे बढ़ते जाए तो एक पूरा फ्लैट हो जाएगा और ये सिर्फ सर्कल वाला पार्ट रह जाएगा. इसको हम मोर पंख का शेप देंगे. सो द पार्टिसिपेंट्स कैन ट्राई डूइंग द आउटलाइनिंग एंड देन फिलिंग द पैचेस इन बिटवीन द सर्कल्स. सबका ठीक चल रहा है?
हो गया सबका? एक मिनट सर जी, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ. ओके पार्टिसिपेंट्स, वी जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द पीकॉक टेल. इवन इफ यू हैव डन अ सिंगल पैच, दैट शुड सफाइस फॉर नाउ. परफेक्ट परफेक्ट, इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग गुड. यू कैन कंप्लीट इट एट योर ओन पेस. परफेक्ट परफेक्ट, आई कैन सी ब्यूटिफुल पीकॉक टेल्स ऑन द ऑडियंस स्क्रीन्स. Perfect. I think it is safe enough to move ahead. You can continue the tale or other parts after the workshop. We'll continue with the artist. Rajaram sirji, आगे बढ़ते हैं. Thank you. ये जो पिको की पूछ में पूरा सर्कल जो छोड़े हैं, उसमें ऑरेंज कलर, एक ऑरेंज कलर की ये पूरा इसको सर्कल को भर देना है. ये इस तरह से ये पूरा सर्कल ऑरेंज से इस तरह से पूरा कवर कर देना. फिर हम इसके नेक्स्ट इसमें आगे व्हाइट और ग्रीन मिला के एक सर्कल और बनाएंगे, और फिर अल्ट्रा मरीन ब्लू का एक सर्कल और बनाएंगे. इस तरह से ये मोर पंख का पूरा शेप आ जाएगा. इनके पास कौन से कलर है? वो सभी पोस्टर कलर से कर रहे हैं या ये बताइए जरा. पोस्टर पोस्टर, मोस्टली पोस्टर पोस्टर कलर. हाँ, तो ऑरेंज कलर इसमें डाल सकते हैं पूरा. सो वी आर फिलिंग द सर्कल्स विद ऑरेंज. हम जो इसके लिए काम में लेते हैं, ये सिंदूर काम में लेते हैं, जो मूर्तियों में लगाते हैं वो सिंदूर. इसको हम पीस के और बाद में इसको छान लेते हैं और इसमें गोंद गोंद का पानी डालते हैं. ओके जी. तो ये दो तीन सर्कल अभी बना लें, दो तीन सर्कल, क्योंकि इतना काम हो नहीं पाएगा. दो तीन सर्कल अभी मैं जैसे बता रहा हूँ ये बना लें, फिर बाद में बना सकते हैं. ठीक है ठीक है. सो पार्टिसिपेंट्स, वी विल जस्ट डू अ फ्यू ऑफ द सर्कल्स एज वी ड्यू टू द पॉजिटिव ऑफ टाइम, एंड वी विल शो यू हाउ टू कंप्लीट वन ऑफ देम. इसको ड्राई होने दें, तब तक हम दूसरा काम शुरू करते हैं. लोटस कैसे तैयार करते हैं, तो मैं लोटस का एक बार छोटा सा आपको करके दिखा रहा हूं. उसको जरा ध्यान से देखें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है. ये क्रिम्सन जो कलर है, क्रिम्सन से इस लोटस की आउटलाइन करनी है. वापस किसी भी ब्रश से, छोटे से छोटा ब्रश हो आपके पास, 000, उससे ऐसे आउटलाइन करनी है. We are outlining the lotuses with crimson, a very thin outline with crimson while the peacock tail dries. तो मैं एक छोटा सा लोटस बना के अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और उस तरह से आप बाद में एक ये छोटा यहाँ कंप्लीट कर ले, बाद में बड़ा वाला बाद में घर पे कर सकते हैं, टाइम निकाल के बाद में भी कर सकते हो. इतना सारा काम अपन स्लोली स्लोली एक एक पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है ठीक है. Jason, if हाँ जी. You not have crimson, what color combination can give us crimson? Give me a second. राजाराम सर जी, अगर crimson नहीं है हमारे पास तो लाल चलेगा या स्कारलेट ट्रे अगर है तो वो भी चलेगा. रेड कोई सा भी हो, लेकिन रेड होना चाहिए क्योंकि फिर वो पिंक सेट नहीं आ पाएगा. It should be red. Okay, yeah, okay, thanks. Something in the tonation of red. Thank you so much. Yeah. हाँ जी. आगे बढ़ेंगे. एक छोटा सा मैं बहुत अच्छी टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ आपको. ये क्रिम्सन वाला जो है, इसको बहुत जैसे पानी जैसा कलर करेंगे. ऐसे ये पानी जैसा कलर किया, ब्लड ब्रश को ऐसे इस पे घुमाया, कम से कम कलर लेना है. और भी इस ब्रश में कलर है, उसको एकदम ऐसे पोंछ के ड्राई करना है. ठीक है, और इस ड्राई ब्रश से ऐसे हल्के हाथ से ऐसे ऐसे सेंडिंग देनी. और अगर ज्यादा पानी है उसमें तो आप और ड्राई कर सकते हैं हाथ से पहुंच के. ये शेडिंग का काम है, ये ड्राई ब्रश से करना है. ऐसे
इसे उठाते जाना ब्रश को, बार बार एक ही जगह नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस में सब जगह चलाओगे तो नीचे का कलर नहीं आएगा। ये इस तरह से आपको ये लोटस का देखिए पूरा शेप आ गया, और थोड़ा सा और ड्राई करना, थोड़ा सा और कलर लेके इसके खाली पॉइंट पॉइंट पे इस तरह से। यस, मैं जरा वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो ऑडियंस, व्हाट वी डिड इज वी डिड अ बिट ऑफ शेडिंग फॉर द लोटस बड दैट यू ऑल कैन सी। द प्राइमरी कलर वाज पिंक, वी डिड एन आउटलाइन ऑफ डीप क्रिम्सन और रेड, वी टुक आवर ब्रश, वी पुट इट इनटू अ वेरी थिन्ड आउट वर्जन ऑफ द क्रिम्सन और रेड दैट यू आर यूजिंग, वी शेडेड इट विद ऑलमोस्ट अ ड्राई ब्रश वंस, एंड द सेकेंड टाइम वी जस्ट डिड द पॉइंट ऑफ द लोटस। ठीक है, कैन वी गो अहेड इफ एवरीवन इज गुड विद दिस? कैन आई जस्ट गिव यू 30 seconds एंड लेट्स सी हाउ द लोटस इज शेपिंग अप? राजाराम जी, आधा मिनट का टाइम देते हैं लोगों को जरा लोटस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये छोटा सा लोटस कंप्लीट कर ले, बड़ा वाला फिर बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से we'll give you approximately a minute, just try your hand at the lotus and the shading please. ji to एक हमारी जो पेंटिंग बनती है वो बहुत बड़ी साइज में होती है और कपड़े पे बनती है, तो उसमें ये कलर जैसे हमने फील कर दिए सारे, उसके बाद हमारा एक प्रोसेस होता है गुठई करने का। ये एक टूल है, ये हकीक स्टोन है, तो हम इससे क्या करते हैं कि इसे पेंटिंग को ऐसे उल्टा करके और इसके ऊपर ऐसे ऐसे गुठई करते हैं, तो उसमें क्या ग्लेज आ जाता है ये ऐसे। और अगर पेंटिंग ऐसी है सीधी, तो सीधी को हम बटर पेपर ऊपर रख के और ऐसे ऐसे उसको ये छोटे टूल से ऐसे ऐसे, ये आपके पास अगर नहीं है तो आप ग्लास का पेपर वेट से भी इसको बाद में कभी ट्राई कर सकते हैं। बटर पेपर रखे ऊपर और पेपर वेट से ऊपर कर लें, या पेंटिंग को फर्श पे, साफ फर्श पे उल्टा करके ऐसे ऐसे पेपर वेट ग्लास वाले से कर सकते हैं, तो उससे आप देखेंगे तो बहुत स्मूथली ये कलर जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू। So what we just observed was the burnishing. It can be done with a piece of agate or crystal, polished one, or it can be done with a glass paperweight. If you're doing it from the front, you'll have to put a piece of butter paper. If you're doing it from the reverse, you'll have to turn your painting onto a clean floor or say a piece of glass or some clean surface, and you can burnish it from the reverse section. हाँ जी, तब इसमें इतना बारीक काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो उसमें ग्लेज नहीं आएगा तो बारीक जो ब्रश होता है वो उस पर चलेगा नहीं और काम नहीं करेगा, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें करते हैं गुटाई का काम, ताकि बारीक से बारीक जितना मिनीचर आप करना चाहें उतना हो सकता है। जी जी, नेक्स्ट काम हम फेस की फिनिशिंग चालू करेंगे एक बार। तो पर्सन ब्लू आपके पास है, पर्सन ब्लू से उसका आईज, नोज एंड ईयर आप ड्राइंग करें छोटे से छोटे ब्रश से, और बहुत पानी मिला के उस कलर से, ताकि वो हार्ड नहीं हो, ये इतना एकदम पानी जैसा कलर लेके पर्सन ब्लू और उसमें पानी मिला के ऐसे ड्राई ब्रश करेंगे, और फिर वापस उसका जैसे कलर फिल किया होगा तो वो ड्राइंग छुप गया होगा, तो हम वापस उसी ड्राइंग के ऊपर, ताकि वो वापस अपने शेप में आ जाए।
if anyone has a issue with the outline, you all may have done a very thick coat of paint, so that's not an issue. You can go freehand with the template which we have provided earlier, and you can try practicing a bit later. ये विषय उससे कलर फील किया उसके अंदर की आउटलाइन दिख रही होगी, वैसे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. फिर भी वापस उसी के ऊपर आप ड्राइंग करके फिर हम नेक्स्ट इसको शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे. और so, हमारे सिद्धार्थ जी के इसमें एक विशेष चीज होती है कि जो आईज है वो आईज हम सबसे लास्ट में बनाते हैं. तो ये चीज भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आईज बनने का कारण ये मतलब ये होता है कि फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई. तो ये एक धार्मिक एक मान्यता है, तो ये भी जरा मैं आपके सामने रखी है. So what Rajaram sir just told us is that the eyes are done last because the making of the eyes symbolizes the incoming of life, the prana pratishtha of the particular image. The image comes to life and is ready for worship. Now, in case if you are not able to see the outline, then if you have overpainted a bit, not to worry, you can take inspiration from the template, or you can do it a bit later on another piece of art. For your outlining, you can try to use the thinnest of the brushes, specifically the zero number brushes that we get in the market today. So, same lotus jaise jis technique se banaya hai, usi brush se percent blue mein pani mila ke bilkul usi dry brush se wapas isko face pe shading ka kaam shuru karenge. तो सबसे पहले हम ये जो आउटलाइन है इसको ऐसे कम कलर में, और ये होंठ और दाढ़ी इसको बचाते हुए बाहर की साइड में, लाइन की बाहर की साइड में. ये ऐसे ऐसे शेडिंग देते जाएंगे तो नीचे का जो पार्ट है चेहरे का वो डार्क होता जाएगा. थोड़े थोड़े पेच आएंगे, लेकिन हम बार बार उसको मर्ज करके उसको एक जैसा स्मूथ कर देंगे. पीछे वाली पेंटिंग में दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो आप ऐसे ही. ब्रश को एकदम हल्का चलाने की कोशिश करना चाहिए मिनिचर पेंटिंग में, क्योंकि हल्का चलाने से ये होता है कि नीचे का कलर जो है वो ब्रश के साथ घुलेगा नहीं. तो ये भी एक बहुत ही लाइट सिर्फ टच करके हल्का सा. सो वी आर डूइंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पेंटिंग. वी आर डूइंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पेंट आउटसाइड द आउटलाइंस दैट आर प्रेजेंट. And then you can do a layer or two after that as the brush dries and the concentration reduces. रजत आवाज सुनाई दे रही है?
थोड़ा जूम कर सकते हो? जी बोलिए। थोड़ा जूम कर सकते हो? हाँ, एक चीज जी मैं, हाँ सामने आएगा, थोड़ा पीछे। तो ये इसका जो ये लाइट पार्ट दिख रहा है, तो ये लाइट पार्ट सिन्हा जी के चेहरे में इसलिए हम दिखाते हैं कि सिन्हा जी जो है वो बाल रूप की सेवा में है। तो सिन्हा जी की जो सेवा पद्धति है वो एक छोटे बच्चे की जो देख रेख होती है उस तरह से बाल रूप में है। तो बालक हष्टपुष्ट होना चाहिए, ये एक इसीलिए बच्चे के गाल दिखाने के लिए ये यहाँ पे लाइट रखते हैं और नीचे और आंख के ऊपर का पार्ट डार्क करते हैं। तो ये एक बताना मैं जरूरी समझता था कि ये फेस ऐसा क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे एक ये कारण है। तो ये आईज के पास और दाढ़ी के ऊपर ये डार्क, बाकी बीच का हिस्सा ये लाइट। उनका अटका होता है, सो आप राइट साइड में भी ये जो है रिपीट करने वाले हो? जी, सेम उसी तरह से राइट साइड में भी। सो पार्टिसिपेंट्स, वी आर रिपीटिंग द सेम प्रोसेस ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेंटिंग एंड वील बी लीविंग द चीक्स प्लेन, स्पेसिफिकली सिग्निफाइंग द इमेज इज दैट ऑफ चाइल्ड कृष्णा। आप मुझे देख पा रहे हैं पेंटिंग? हाँ को जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, दिखाई दे रहा है ये देख पा रहे हैं ना? ठीक है ठीक है ठीक है।
हल्का पानी ले लेके और इसको आगे आगे बीच में लाइट करते जाएं, तो आंख के पास और दाढ़ी के पास में डार्क रहेगा, बीच में लाइट रहेगा। इसी तरह इसी कलर से कान को भी सेटिंग में करना। अगर किसी के पेच आ रहे हैं तो उसका मैं बहुत अच्छा सरल उपाय बताता हूं, ये बाद में आप इसी ड्राई ब्रश से धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे टेक्सचर लेके कर सकते हैं। तो ये पुरानी एक परंपरा जो हम रेगुलर करते हैं, इसको इसको बोलते हैं परदास वर्क, और नाथ द्वारा का शब्द है गुरावट, मतलब इसको अच्छा सा मिक्सिंग करना है। So in case if you can't see the outlines, don't worry, you can definitely do a practice work once again and you can try to complete it. You can also try going freehand using the template that we have sent to you earlier and the template that will come in the participants pack booklet. सर जी, आप फेस के बाद वो जो मोर का पंख है वो भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट एक। सर्कल है उसको ग्रीन और व्हाइट कलर एकदम लाइट ग्रीन रखना है। इतना लाइट करके और इस सर्कल के बीच में करना है उसको, थोड़ा सा सर्कल छोड़ते हुए। सो पार्टिसिपेंट जस्ट हैव अ लुक एट द पीकॉक फेदर दैट इज बीइंग डन। वी आर एडिंग ए मिक्सचर ऑफ थोड़ा सूख। ये मोरपंख एक पगड़ी के ऊपर भी एक मोरपंख है, उसको जरा देखें, ये बाहर वाला सर्कल ऑरेंज।
और इसके अंदर वाला सर्कल ग्रीन, लाइट ग्रीन। और एक और सर्कल जो बचा है उसको ब्लू। और बाहर जो मोर पंख का ये निशान बचे हैं, ये लाइन लाइन पोस्टर ग्रीन से हम ये बाहर करेंगे। फिर ड्राई ब्रश से ये वापस ऐसे ऐसे रेसे बना देंगे। So, sir is using multiple brushes, a slightly thicker brush for the shading, while a pointy zero number brush to make these small little lines which resemble the fronds of the peacock feather. I'll repeat the color scheme for the peacock feather. The central portion is blue. There is light green outside, orange followed by pure green, done in two levels. One is a shading and second is the line. Just have a good look, participants. Rajaram sir ji, jara ye 30 seconds ke liye aise rehne dijiyega logon ko dekhne ke liye. थैंक यू, आगे बढ़ते। जी, नेक्स्ट ये मोर के पंख में हम ये जो ब्लू बाकी छूट गया था ये ब्लू इसमें डालेंगे फ्री हैंड। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए किसी को, सिर्फ एक मोर का लुक देने के लिए बीच में ये अल्ट्रा मेरिन ब्लू। So the same procedure has been applied to the circles in the tail of the peacock. Rajaram sir ji, 15 minute baki hai actually session ke liye. To hame thoda wrap up karne ki koshish karni padegi. Detailing pe hum thoda dhyan denge ab. Main ek ek jo session main jo jo chhut gaya hai wo जी, तो ये एक मोरपंख वापस मैं इसका एक मिनट के लिए बता देता हूँ। ये जो मोरपंख है इसको पंख कैसे बनाएंगे, तो इसमें येलो कलर की एक बारीक बारीक हम लाइन देने हैं ऐसे। So we're using a very fine brush with yellow. ये लाइन आप अगर आपके पास कैमलिन वाला गोल्ड है या कोई गोल्ड है उससे भी कर सकते हैं। ये ऐसी लाइन बाद में आप कर सकते हैं घर पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू डिटेलिंग पीपल। फुल पीकॉक विद दैट, या यू विल हैव टू डू द फुल टेल विद दैट एक्चुअली। या दैट येलो लाइंस इन द दिस वन द टेल, नो? यस यस, दैट येलो स्ट्रोक्स हैव टू इवन फॉर ऑल। यस यस, राजाराम सर जी, ये जो आपने पीले रंग से रेश निकाले हैं, ये जो पूरा जो पूछ है मोर का, इसके ऊपर पूरा ऐसे करना पड़ेगा ना?
ऐसे करना है, पूरे ऐसे सेपरेट सेपरेट, जैसे ये मैं आपको एक करके दिखा दो, एक और करके दिखा, ये एक ऊपर वाले पंख के लिए ये ऐसे गोलाई में ही आ गया, तो नीचे वाले साइड वाला जो है साइड वाला वापस ऐसे आएगा क्रॉस में, ये इधर वाला क्रॉस में आएगा, तो ऐसे फिर लाइनें सीधी सीधी आएगी सबकी, परफेक्ट थैंक यू। नीचे वाला है वापस ऐसे ही आएगा जैसा ऊपर वाला है, तो ऐसे ऊपर वाला है वैसे नीचे करते जाओ, ये लाइन सीधी सीधी। अब हम ये ज्वेलरी का जो है इससे पहले जस्ट पगड़ी के थोड़े सलवटे हम बनाएंगे क्रिम्सन कलर से, तो बिल्कुल पानी जैसा कलर लेगा क्रिम्सन, और इसको जैसे इसमें लाइन दिख रही है पगड़ी में, ये देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि आपका काम थोड़ा सा अधूरा रहेगा बट आपको समझ में आएगा। So participants, what we are doing is we are using the base color that we used for each of these pieces. Like for example, the blue of the face in its concentrated watered down version we used for the outlines for the face. Same way we are using the crimson color which was the base for the pink in its watered down version to accentuate the outlines. We are giving the outlines with the watered down base color. ये पगड़ी का इस तरह से आप क्रिम्सन की लाइन डाल सकते हैं, उससे ये होगा सलवटों का आभास हो जाएगा कि इसमें पगड़ी में सल है, और इससे आगे शुरू करेंगे हम ज्वेलरी का। सर जी एक सेकंड, थोड़ा 10 सेकंड के लिए ये पार्टिसिपेंट्स के सामने ऐसे रख दीजिएगा। पार्टिसिपेंट्स जस्ट हैव अ क्लोज लुक एट हाउ द पैटर्न इज, इट्स एग्जैक्टली हाउ यू वुड फोल्ड द पगड़ी ऑन टू योर हेड। Okay, so there are various patterns which are formed as you fold the pagdi. And you can see the direction in which the pagdi is folded as well. Same as which was the peacock feather. So we could see the orientation and the layering of each of the peacock feathers. We'll go ahead to the jewelry. Rajaram Sarji, jewelry. Ji. तो अब ज्वेलरी के लिए हम प्योर व्हाइट लेंगे, इस तरह का ये प्योर व्हाइट, और आप लगभग 3 नंबर की ब्रश हो सेबल ब्रश वो ले ले, और ये जो व्हाइट व्हाइट की ज्वेलरी दिख रही है उसके अंदर डाल दें। सो वी आर फिलिंग इन द पर्ल्स विथ प्योर व्हाइट। तो ये जो व्हाइट की आउटलाइन वाली ज्वेलरी दिख रही है और जिसमें नहीं हमने दिखाई है उसके ऊपर आप डायरेक्टली ऐसे ज्वेलरी बना सकते हैं। सो यू कैन फिल इन द पर्ल्स ऑफ दोज हुज आउटलाइंस दैट यू हैड केप्ट ब्लैंक एंड यू कैन आल्सो ऐड योर ओन पर्ल्स सेपरेटली ओवर द ऑलरेडी पेंटेड सर्फेसेस। ये जितना भी येलो हमने डाला है उसके दोनों साइड में ऐसे डॉट डॉट करके मोती लगाना है। यू कैन ट्राई डूइंग वन पीस ऑफ ज्वेलरी, और अगर व्हाइट कलर से एक बार में फिनिशिंग नहीं आए तो उसके ऊपर एक एक बार टच और कर दें, तो ये बाद में भी कर सकते हैं लेकिन एक बार ये इसको आप पूरा समझ सकते हैं एकदम राउंड।
बाद में भी इस फेस को मैं और भी फिनिशिंग करके आपको कल तक शायद भेज दूंगा, तो आप सबको भेज दीजिएगा ताकि ये अपनी अपनी पेंटिंग में वापस सुधार कर सके। हाँ जी, और अगर ये अच्छी नहीं बनी तो दूसरी भी बना सकते हैं। हाँ जी जी, तिलक है, तिलक के दोनों ओर भी ऐसे मोती लगाना है और इसी कलर को, व्हाइट कलर को आंख में भी डालना है। रुको, ये इस जगह, so you can see Rajaram sir ji accidentally overshot the outline and the work that he had already done. He is doing a bit of damage control, which we all should be accustomed to doing, and there is no such thing as some a big mistake which can't be corrected and can't be made better. So इसी तरह से ये आंख में जो बोल की है, इसको अभी मैं एक कर रहा हूँ, लेकिन आप बाद में ये जब पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो दोनों को ऐसे कुछ नहीं करना, बस उसी जगह पर्शियन ब्लू डाल देना। So the pupils are Persian blue. Yeah. अब इसमें ज्वेलरी में जैसे नीचे ये छूटा हुआ है उसमें ग्रीन डालना है, लाइट ग्रीन जो हमने पिकोक में डाला उससे थोड़ा डार्क, ये वाले नीचे वाले लटकन। इसके दोनों साइड येलो की दोनों साइड व्हाइट मोती आएंगे, ये सब व्हाइट है और जहां जहां ग्रीन आ रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको उस जगह ग्रीन डालेंगे। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये पगड़ी वाला ग्रीन है। तो अभी आप एक बार इसको देख ले, मैं आपको कंप्लीट करके भेजूंगा तो कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ समय बढ़ा सकते हैं तो आधा घंटा और बढ़ा दीजिए। आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही, आ रही। इफ द पार्टिसिपेंट्स आर ओके, कैन वी ओवरशूट से फॉर अराउंड 15 टू 20 मिनट्स? श्योर, यस। हाँ जी, तो 15-20 मिनट बढ़ा सकते हैं, तो वी कैन एंजॉय। ठीक है, नहीं एक्चुअल में ये होता ना कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो पार्टिसिपेंट देखने में भी लग जाते हैं तो काम नहीं हो पाता। हाँ ये जी, भी हाँ एक जी। उनको देखना और समझना भी जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एक ज्वेलरी का काम ये कंप्लीट कर ले, हाँ तो बहुत अच्छा होगा। मैं जरा एक अनाउंसमेंट दे देता हूँ मैं जरा एक अनाउंसमेंट दे देता हूँ पार्टिसिपेंट्स, आई नो दैट वी विल बी ओवरशूटिंग द बिट ऑफ टाइम। व्हाट वी विल डू इज ऑन योर ईमेल एज वेल एज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप वी विल मेल यू द पार्टिसिपेंट पैक बुकलेट दैट वी रिलीज एज वेल एज अ फीडबैक फॉर्म। सो वंस यू सेंड इन द फीडबैक फॉर्म वी विल सेंड यू दिस विद इन 1 hour आफ्टर द वर्कशॉप इज डन। यू कैन सेंड अस द फीडबैक फॉर्म टिल टुनाइट and accordingly we'll be able to issue certificates. Thank you so much. So in case if you leave by around 6:10, there's no issue, as long as you fill in the feedback form as well as you receive the booklet, you can just acknowledge that. Thank you. Rajaram ji, aage badh sakte ji. Ji bas ye inko jewelry kam ek bar laga de, ye jewelry jitni bhi hai inko complete kare, व्हाइट कलर से एक बार सारे जितने भी दिख रही है ज्वेलरी उनको, ताकि ये करेंगे जब तक मैं दूसरा काम इनको बताता हूं। ये ऐसा ऐसा पूरा ज्वेलरी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि श्रीनाथ जी और कृष्ण के लिए मेन जो बड़ा काम है वो ज्वेलरी का है, और ज्वेलरी से ही उनका जो चित्र है वो खूबसूरत बनता है।
जो पोस्टर रेड है उसकी जड़ावत जो है वो ज्वेलरी में, वो ऐसे ऐसे डाल सकते हैं। और स्पेशली तिलक के अंदर ऐसे बिल्कुल इसकी इसी में बीच में एक सीधी लाइन डाल, ये हो गया तिलक और ये हो गया नाक का नथ, ऐसे बीच बीच में ऐसे गोल गोल। इसी के सर्कल में ज्वेलरी में अभी 2 मिनट सब देख ले, मैंने और ये मैं दिखा रहा हूँ चेहरा जूम करके। तो ये रेड और ग्रीन की जो ज्वेलरी है ये कहाँ कहाँ पे आपको डालनी है? ये ग्रीन, इसी ग्रीन कलर की कमल की डंडी भी आप बना दें। सर जी, अगर बैकग्राउंड को रंग देना होगा तो पारंपरिक तौर से कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है? पारंपरिक रूप से अगर बैकग्राउंड है, पेड़ भी है, केले भी है, तो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। और अगर हाँ जी, और ग्रीन में अलग अपनी अपनी पसंद हो सकती है, इमराल्ड ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा भी जो जैसा सेट जिसको पसंद है, लेकिन ग्रीन। और अगर कोई बारिश का सीन हो तो हम ब्लैक डालते हैं, रात का सीन हो तो ब्लैक डालते हैं, और जैसे प्लेन अगर शाम का समय देना हो तो रेड कलर डालते हैं। Okay. तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग प्रभाव है। ओके ओके, सो आई जस्ट रिपीट व्हाट राजाराम सर जी टोल्ड अस दैट यूजुअली वी यूज द कलर ग्रीन इफ देयर इज फोलियज और ट्रीज, वी यूज द कलर ब्लैक फॉर इफ इट इज अ नाइट टाइम सीन or an evening scene or a rainy scene. We also use red in case if it is something like an indoor scene and stuff like that. ये चित्र आपको दिख रहा है अभी सभी को? हाँ जी, इसे समझ सकते हैं आराम से। मैं फिनिश करने के पहले एक बार ये पूछना चाहता हूँ, इससे सेटिस्फेक्शन है उनको या और कोई पूछना है? If anyone has any questions, you all can unmute yourself or type it in the chat. Sir ji, एक प्रश्न था, background के लिए कौन सा design इस्तेमाल कर सकते हैं? Background के लिए अगर इस painting में जैसे डालना है, तो इस painting में डालने के लिए light green. ये light green का मैं shade दिखाता हूँ आपको, ये light green.
आप प्लेन डाल के, और प्लेन डालने के बाद कहीं कहीं जैसे मोटिफ्स बना सकते हैं, यहाँ केले का छोटा पेड़ बना सकते हैं, या छोटा सा यहाँ पे आम का पेड़ बना सकते हैं, या कोई डिजाइन बना सकते हैं पत्तियों की, जैसे ग्रास का लुक आए, और या नीचे की साइड में छोटे छोटे कमल बना के भी, या नदी का भाव भी दिखा सकते हैं। Okay. इसका एक रूट है। ओके, so what Rajaram sir told us that we will have to do individual motifs of trees, of lotuses, of a river, etc. As we go along, it is a slightly complicated process. The texture for the trees, the texture for the lotuses is just the same that you did for the single lotus, but since the paintings usually are larger and it takes a lot of time, it will take more than one workshop to cover the background. सर जी, आप मोर के पैर और हाँ मोर का ही बता रहा था मैं कि ये मोर की जो चोंच ये व्हाइट कलर की, व्हाइट ही छोड़ दें और इसमें छोटी छोटी लाइन करें, मैं आपको लाइन करके दिखाता हूँ पैर में, ये ऐसे ऐसे लाइन करते जाए। आप अच्छे रंग से, कौन से रंग से? Brown and black for the feet. Feet और चोंच में भी इसी तरह से, ये पूरे में ऐसे छोटी छोटी लाइन डालेंगे तो अलग पांव दिख जाएंगे। डॉट डॉट छोटी छोटी लाइन दे दे लाइन के पास। ये इसे और ऊपर में इसके जो ये छोटे छोटे ऊपर जो किलंगी है मोर की, हम किलंगी बोलते हैं इसको, जो तुर्रा भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे सेटिंग देके और ये और ये पंख भी है, एक पंख भी बता देता हूं मैं, ब्राउन और ब्लैक। इसके भी ऐसे छोटी छोटी लंबी लंबी लाइन करें तो ये पंख मोर के ऐसे ऐसे बन जाए, छोटी छोटी पास 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 लाइन करते जाए। We have used a combination of black and brown for this particular motif of the feet and the crown as well as the beak. We are using brown for the detailing of the wing. और नीचे का हिस्सा है उसको थोड़ा सा एक लाइन दें ऐसे, और फिर लंबे लंबे ऐसे पीछे की साइड में जाते हुए लंबी लाइन करें तो वो पंख का भाव आएगा। थोड़ा जूम करके देख सकते हैं? जी हाँ जी, थैंक यू। सो जस्ट हैव अ क्विक लुक एट द लेग्स, द फीट, द बीक एंड द क्राउन अलोंग विद द विंग ऑफ द पीकॉक। They have been done with a combination of brown and black. It's watered down to give this particular effect. Most of its lines and the lines signify the direction of the feathers. ये the poster green जो है उसको पानी जैसा कलर करके थोड़ा सा पंख के आगे आगे इस तरह का green shade बस। And there is a bit of shading which has been done on the wing with watered down poster green.
ये फाइनल करने से पहले मैं स्पेशल आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये है प्योर गोल्ड की हिलकारी बोलते हैं हम लोग, जो गोल्ड लीफ से हम इसको लिक्विड फॉर्म में कर लेते हैं। दिख रहा सभी को? इसका यूज हम कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक मिनिएचर का बहुत बड़ा पार्ट है। ये गोल्ड बर्फ से हमने इसको गोल्ड में घिसाई करके और लिक्विड किया हुआ। सो दिस इज प्योर गोल्ड लीफ amalgamated into गोंद और गम। तो ये बांसुरी जो है जिसमें हमने पीला कलर डाला है, इसका मैं इसमें आपको यूज करके दिखाऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट में जरा सभी को दिखाना चाह रहा हूँ। आप जरा उनको दिखाइए, ऐसे बिल्कुल कलर की तरह इस गोल्ड को काम ले सकते हैं। ये मैंने एक ही बार में गोल्ड लगाया है, अब मैं इसको आपको इसमें शाइनिंग नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको शाइन करके दिखाऊंगा। ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो ड्राई होने के बाद में ये हमारा जो टूल है हकीक का स्टोन, इसको हमारी लैंग्वेज में ओपनिंग बोलते हैं, और ये गोल्ड की ज्वेलरी बनाने वालों का भी काम आती है। तो ये जितने भी ज्वेलरी आप पेंटिंग में देखते हैं येलो कलर की, उसमें हम सभी में गोल्ड रियल गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए शाइनिंग करके मैं दिखा रहा हूं, आप जरा घूम करके दिखा रहे As you can see that there is a slight iridescence from the upper portion of the flute. ये देखिए आपको साइन दिख रही है गोल्ड की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी Yes, the camera can't capture. Special painting में बिना गोल्ड के the stone is basically a piece of agate which is polished and it is attached to a piece of wood. It's called as a hakik patthar. इसी तरह से ये सिल्वर का यूज भी करते हैं, इसमें सिल्वर का कोई यूज नहीं है, लेकिन कभी पेंटिंग में सिल्वर का यूज हो तो इसी तरह से सिल्वर वर्क से भी हम सिल्वर बना के और काम में लेते हैं। सर जी, और लास्ट में मोतियों के लिए कुछ शेडिंग होता है? जी, मोतियों के लिए एक बार मैं बांसुरी का शेप दिखा देता हूँ। बांसुरी का ये गोल्ड डाल दिया हमने, लेकिन बांसुरी के जो सुर है वो बनाने पड़ेंगे। okay. सभी को इसकी वापस ब्लैक कलर से ब्लैक कलर के इसके सुर जो मुंह के पास वाला हिस्सा है उसको एक बार ऐसे राउंड करेंगे, फिर उसके बीच में एक ऐसा होल डॉट लगाएंगे, और फिर एक सुर ये है और फिर सात सुर हम बोलते हैं, तो इसमें छह नीचे की ओर होते हैं। सात
और इसी तरह बीच में एक डॉट ब्लैक का। नेक्स्ट मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ मोती का, तो जो व्हाइट मोती है उसको सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है, और ये ग्रीन जो मोती लगाए हैं हमने इसको इसी डार्क और डार्क ग्रीन करके फिर इसको नीचे की ओर थोड़ा सेटिंग दे देते हैं। और ये करने के बाद एक व्हाइट कलर का डॉट छोटा सा, परफेक्ट। मैं जरा अपने ऑडियंस से थोड़ा बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि उनका क्या हाल है, और सेशन बंद कर सकते हैं थोड़े टाइम में, ठीक है? तो ओके ऑडियंस, कैन आई गेट ऑल ऑफ यू ऑल ऑनलाइन? एंड आई नो इट हैज बीन अ बिग 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 हैवी मॉड्यूल फॉर अ गुड पोर्शन ऑफ यू ऑल। कैन आई जस्ट हैव अ लुक एट ऑल ऑफ योर वर्क्स? Perfect. Ammi, could you just take a picture, please? Taking. Thank you. I can definitely see that Srina ji has come to each and everyone's home.